चीन की चालबाजी का भारत देगा कूटनीतिक जवाब। ड्रैगन के पड़ोस में घुसकर होगी घेराबंदी। आसियान देशों से भारत के मजबूत रिश्तों से चीन की बढ़ेगी टेंशन। भारत जहां G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं इस सम्मेलन से ठीक 3 दिन पहले पीएम मोदी आज इंडोनेशिया रवाना हो जाएंगे, जहां वो आसियान समिट में हिस्सा लेंगे। 5 सितंबर से शुरू हो चुकी आसियान समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। Honorable Prime Minister of India is coming here despite of, you know, G20 summit just after one day, you know, it's like on 7th of September, Honorable Prime Minister is coming here. That shows the kind of importance which we give, you know, to this region. इस विजिट पर वो आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सदस्य देशों से व्यापार और सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समिट के दौरान आसियान देशों में UPI लॉन्च होने की घोषणा की जा सकती है। जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दे जो म्यूचुअल कंसर्न के हैं, संभावना है वो लीडर्स इस फोरम में डिस्कस करेंगे। अभी ये कहना मुश्किल है स्पेसिफिक टर्म्स में कि इशू ए या इशू बी डिस्कस्ड होएगा या नहीं होएगा। ऐसे में सवाल है कि पीएम मोदी के लिए आसियान सम्मेलन इतना अहम क्यों है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन अपना दबदबा चाहता है, जबकि भारत का 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में आसियान देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना भारत के लिए काफी अहम है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा के चलते भारत के लिए आसियान देशों की अहमियत और बढ़ जाती है। दरअसल 1988 में एशिया में आई आर्थिक तंगी ने आसियान देशों की चीन पर निर्भरता को बढ़ा दिया था। चीन ने इसका फायदा उठाकर साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। इससे आसियान देशों के पास एक ही विकल्प बचा और वो अमेरिका से रिश्ता मजबूत करने लगे। अब भारत आसियान देशों के सामने खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। आसियान देश भी भारत की अहमियत को समझने लगे हैं। वो चाहते हैं कि संगठन में भारत की भूमिका को बढ़ाया जाए। चीन को काउंटर करने के मकसद से इस इलाके में भारत की भूमिका को अमेरिका भी मानने लगा है। वो पहले इस इलाके को एशिया पैसिफिक कहकर बुलाता था, अब इसे इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है। उधर भारत भी आसियान देशों को काफी तवज्जो देता है, इसलिए सदस्य न होते हुए भी भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होता रहा है। वहीं भारत साउथ कोरिया के बाद आसियान देशों को हथियार देने की रेस में शामिल है। आसियान देशों को हथियार देकर भारत न सिर्फ चीन को हिंद महासागर से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके जरिए चीन को उसी के पड़ोस में घेरने में मदद भी कर रहा है। दरअसल भारत से जो मिसाइलें और हथियार आसियान देशों को देने की तैयारी चीन में है, यही वजह बताई जा रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन से किनारा कर दिया है। चीन की बौखलाहट से साफ है कि चीन को घेरने की कूटनीति में भारत सफल होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।